एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाटर बॉडी सोनबिल। वेलकम टू सोनबिल ब्लॉक। अमेजिंग मैन, इट्स अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। धूप के लिए मैं आँख ही नहीं खोल पा रहा हूँ, बट ब्लॉगिंग जारी है। हेलो गाइस, वेलकम टू विजन थ्रू माय लेंसेस। हम लोग अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं अगरतला से। ये ट्रेन से हम लोग जाएंगे अगरतला खोंगसांग। तो आप लोग भी कोई अगरतला से सोनबिल का प्लान कर रहे हैं तो ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग में मैं जितना डिटेल्स बताऊँगा वो डिटेल्स बहुत ही सफिशियंट होगा आप लोग का एक बहुत मस्त टूर प्लान करने के लिए सोनबिल के लिए। तो ये हम लोग का ट्रेन है, ट्रेन चेयर कार रहेगा और बहुत ही मस्त ट्रेन है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। आप लोग देख सकते हैं इंटीरियर कैसा है, सबके लिए चार्जिंग फैसिलिटी भी यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग अम्बासा स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। आज का वेदर एकदम ट्रिप के लिए परफेक्ट है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा है। तो और आप लोग को पता है ट्रेन का सफ़र मेरे को ऐसे ही बहुत अमेजिंग लगता है, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो। एक अलग सा मतलब अननोन लोगों के साथ परिचय होता है, एक अलग सा मतलब फील होता है। अभी हम लोग पेचारतौल क्रॉस कर रहे हैं। तो हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन मतलब लास्ट हम लोग का जो स्टेशन रहेगा जिसमें हम लोग उतरेंगे वो है कि करीमगंज। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं धर्मनगर। तो हम लोग करीमगंज स्टेशन में उतरेंगे, वहाँ से हम लोग बाय प्राइवेट व्हीकल हम लोग जाएंगे। देखिए नज़ारा इतना सुंदर है ना, क्या बताएं। स्काई का कलर लेके सब कुछ एकदम मेरे को तो बहुत मस्त फील हो रहा है जितना आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हम लोग को न्यू करीमगंज में आ गए हैं। तो स्टेशन ट्रेन थोड़ा स्लो हो गया है, तो अभी हम लोग उतर जाएंगे यहाँ पे। यहाँ उतरने के बाद कुछ फ़ोटो वगैरह होगा, ग्रुप सेल्फी ग्रुप पिक्चर होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। न्यू करीमगंज में मैं दो बढ़िया बढ़िया पिक्चर खींच लिया हूँ। ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग तीन ट्रेवलर लिए हैं जिसमें हम लोग जाएंगे सोनबिल। तो इधर का भी नज़ारा बहुत ही मस्त है, थोड़ा धूप ज़्यादा है बट वेदर एकदम ट्रिप के लिए परफेक्ट है, प्लेजेंट वेदर है। तो हम लोग ट्रेवलर से तो यहाँ पे सब लोग बोल रहा है कि तकरीबन 3 घंटा के आसपास लगेगा, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा 3 घंटा के आसपास। चारों तरफ नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली आ गए हैं सोनबिल एरिया में। आप लोग देख सकते हैं दूर से दिखाई दे रहा है सोनबिल का जो बड़ा सा लेक है। फाइनली हम लोग आ गए हैं, यही गाड़ी से हम लोग आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सोनबिल फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लिखा है। तो ह्यूज एरिया लेके ये बनाया हुआ है, देखिए कितना मस्त बोटिंग जगह मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए तो हम लोग बोटिंग करने वाले हैं। वीडियो में कितना पता चल रहा है पता नहीं, बट नज़ारा एकदम अमेजिंग है, अमेजिंग सुपर। पूरा एक मतलब विलेज टाइप का एक माहौल है। तो बहुत दिन का प्लान था यहाँ आने का, तो फाइनली सक्सेस हुआ। हम लोग को ये बोट असाइन हुआ है, देख सकते हैं नज़ारा कितना अमेजिंग है। तो क्या बोले, आ रहा हूँ मैं ऑपोजिट कैमरा से, देखिए
यही हम लोग का बोट असाइन हुआ है। ये सब बोट देखिए कितना कलरफुल वैसे डिज़ाइन किया गया है, तो ये सब बोट का डिज़ाइन देख के, कलरफुलनेस देख के मेरे को थोड़ा प्रिंसेप घाट का याद आया। प्रिंसेप घाट का भी थोड़ा बहुत नज़ारा बोट का ऐसा ही है, बहुत बहुत ही मस्त जगह। आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम लोग डेढ़ घंटा वाला स्लैब चूज़ किए हैं, तो हम लोग डेढ़ घंटा बोट में रहने वाले हैं। सपना एक्सप्रेस, देखिए अंडर वाटर, मेरे को ऐसे भी पानी का बहुत क्रेज़ है, तो ये इतना बड़ा वाटर लैंड वाटर बॉडी देख के मतलब बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। ये सोनबिल, चारों तरफ देखिए कितना नज़ारा है मस्त, देखिए पानी ही पानी है। यह है एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाटर बॉडी, इट्स ह्यूज। मैं पूरा नाव के ऊपर ही बैठ गया हूँ ताकि पूरा आनंद ले पाऊँ। अमेजिंग मैन, इट्स अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। धूप के लिए मैं आँख ही नहीं खोल पा रहा हूँ, बट ब्लॉगिंग जारी है। देख सकते हैं कितना मस्त व्यू है। पूरा आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा है। इस जगह के बारे में मैं सबसे पहले मेरा एक तेजपुर का फ्रेंड सुपर्णा से सुना था कि इतना अमेजिंग जगह है, तब मेरे को अंदाज़ा ही नहीं था कि सच में इतना सुंदर होगा। ये पूरा बोट को कंट्रोल कर रहा है, देखिए कॉन्टिन्यूसली पानी यहाँ से जा रहा है पाइप से, ताकि पानी जो एंटर होता है अंदर वो पानी बाहर कॉन्टिन्यूसली जाता रहे, इसलिए यहाँ पे हो रहा है। हम लोग तीन बोट लिए हैं, तो तीन बोट में से पीछे एक आ रहा है और हम लोग एक बीच वाले में बैठे हैं और एक सामने सामने है। यहाँ छोटा आइलैंड की तरह है, तो उस जगह में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे छोटा आइलैंड जो दिख रहा है उस जगह पे हम लोग जाएंगे, तो एकदम बहुत कूल लग रहा है। नज़ारा देख के पूरा लग रहा है कि पेंटिंग है, सीनरी के टाइप का, मतलब जो ऑयल पेंटिंग वगैरह किए करता है ना लोग, रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता है, नाव, पेड़, स्काई कलर, पूरा पेंटिंग है, पूरा अमेजिंग। हम लोग आ पहुँचे हैं ये छोटा सा आइलैंड में, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम पूरा मतलब क्या बोले, सब पानी के बीच में पूरा पेड़ सा, एकदम लग रहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में आ गए हैं। तो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाटर बॉडी है। हम लोग का नेक्स्ट जो नाव आ रहा है वो भी आ गया है, तो चलिए देखते रहिए, कीप एंजॉयिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू सोनबिल। सोनबिल क्या है, यह है एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाटर बॉडी। तो अभी आप जिस जगह में देख रहे हैं ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, बीच में एक आइलैंड है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये जस्ट शुरुआत है, पूरा ब्लॉग में देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है।
देखिए क्या व्यू है एकदम, और जो पेड़ कितना समझ में आ रहा है मेरे को पता नहीं है। ये पेड़ का भी जो पत्ता है वो 3-4 कलर का है, एक येलो, ग्रीन, रेड, पर्पल, कैसा है कलर का है एकदम पूरा। ये जगह तो मेरे को पूरा सुंदरबन का याद दिला रहा है, पूरा सुंदरबन टाइप का, और परफेक्ट फॉर फोटोशूट। हम लोग दूसरा आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सुने हैं बहुत अमेजिंग है, टेंपल है उधर, टेंपल है इधर हरान चंद्रदास काली माता का टेंपल है, सब लोग बोल रहा है बहुत पॉपुलर है ये जगह। तो आप लोग अगर उधर आएंगे तो इधर भी जरूर आइए, अच्छा है, थोड़ा शांत माहौल है, पूरा पेड़ पौधा से घिरा हुआ है, अच्छा लगेगा आप लोग को। इसके बाद हम लोग चला जाएंगे मेन शोर पे, शिव जी का टेंपल है, आप आके 10-15 मिनट 20 मिनट यहाँ बैठ सकते हैं, पूरा सुकून महसूस होगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चला जाता हूँ मैं बोट की तरफ। तो बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, कुछ अगर पूछना है इस जगह के रिगार्डिंग तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोग को पूरा असिस्ट कर पाऊँ कैसे आना है, किस तरह आना है ये जगह के बारे में। ठीक है, देखते रहिए आगे। आइलैंड के बीच में हम लोग को एक भाई मिल गया है जो बहुत टेस्टी टेस्टी शरबत और गोला खिला रहा है, तो सोचा कि आप लोग के साथ भी ये चीज़ शेयर करूं। कितना ये भाई का जो बनाने का टेक्निक है ना, वो कुछ गजब है, कैसे कैसे किस किस के साथ क्या क्या मिक्स करके बना दे रहा है, टेस्ट बहुत मस्त आ रहा है। तो आप लोग भी जब इधर आएंगे, ये भाई अगर प्रेजेंट है उस समय बिजनेस के लिए, तो ज़रूर एक बार टेस्ट कीजिएगा, अच्छा बनाता है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, देखिए देखिए कैसे बना रहा है। देखिए एक टाइप का पानी दिया, मतलब कुछ कलर होगा कि क्या फ्लेवर है पता नहीं मेरे को, ये तीसरा टाइप का हो रहा है, ये चौथा। और आप जैसा फ्लेवर बोलेंगे, पांचवा, ये जैसा फ्लेवर बोलेंगे थोड़ा बहुत उस टाइप का ही उन लोग बना देता है, पता नहीं, ये शायद नींबू दे रहा है। हम लोग का लेट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा अंधेरा टाइप हो रहा है, तो निकल जाएंगे अभी ये ज़्यादा ना लेट करके। ये थोड़ा सुंदरबन टाइप का फील दे रहा है मेरे को, सुंदरबन का भी थोड़ा बहुत ऐसा ही माहौल है, वहाँ पे मैंग्रोव रहता है, वहाँ पे मैंग्रोव रहता है, यहाँ पे मैंग्रोव के बदले कुछ अलग टाइप का पेड़ है, बट मस्त नज़ारा है। ये और एक ब्लॉगर भाई, मस्त, देखिए कैसे उठ रहा है सब लोग, ये गिर जाओगे भाई। तो हम लोग वापस अपना जर्नी स्टार्ट कर दिए, जहाँ से मतलब जो मेन बैंक है उसमें,
तो शेयर कर रहा हूँ। देखिए क्या नज़ारा है अभी। अप्रोक्सीमेटली आप लोग को वीडियो में पता चल रहा है कि नहीं, थोड़ा अंधेरा हो गया है और नहीं लेट करेंगे क्योंकि ट्रेन भी है हम लोग का। तो हम लोग वापस आ गए हैं। तो वीडियो के शुरुआत में मैं ये जगह दिखाया था, तो अभी फिर से मैं दिखा रहा हूँ बोर्ड वगैरह, तो थोड़ा डिटेल्स आप लोग को पता चले जो क्या लिखा है, कहाँ लोकेशन है, क्या है, वाटर क्वालिटी, कंडक्टिविटी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, सोनबिल, आसाम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्रोजेक्ट एरिया फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। देखिए इधर और एक बड़ा लेक है, तो हम लोग तो इधर नहीं गए हैं क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट था, तो अभी हम लोग निकल जाएंगे स्टेशन के तरफ। तो आज के लिए इतना ही ब्लॉग, तो बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपकमिंग कुछ धमाकेदार वीडियोज़ के लिए।